वेलकम टू माई न्यू डेस्ट। दोस्तों आजकल इंडोनेशिया में ना जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पे काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। भीड़ इसलिए है कि यहाँ पर तीन तरह के पेट्रोल हैं। एक होता है प्रीमियम, जो होता है नॉर्मल लोग डालते हैं, होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम, और दूसरा है उससे भी एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो जो लाइट पेट्रोल था जो सब डालते थे उसका करीबन इंडियन रुपीज़ में करीबन यही कोई 25 रुपये के आसपास का प्राइस हुआ करता था। तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते थे। कौन लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे? ट्रक ड्राइवर्स और जो पिकअप चलाते हैं और जो पब्लिक कार जो टैक्सी वैक्सी वो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते थे उसको डालने के लिए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसका प्राइस बढ़ा दिया है। उसका प्राइस हो गया अभी 50-40 रुपये, और जो प्रीमियम था जो एक्स्ट्रा प्रीमियम उसका ज़्यादा हो गया और उसके और ज़्यादा हो गया। अब पेट्रोल पे भीड़ क्यों है कि जो लोग जो प्रीमियम नहीं खरीदे जो एक्स्ट्रा प्रीमियम खरीदे थे वो ज़्यादा महंगा हुआ, तो सब उसी की तरफ चले गए जो नॉर्मल लाइट पेट्रोल था। तो आजकल यहाँ पर पेट्रोल में इतनी भीड़ है कि आपको 3-3 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है लोगों को। कहीं कहीं पर तो ज़्यादा ही भीड़ है। हमारे इलाके में यहाँ पेट्रोल पंप है कि उस पर कभी भीड़ नहीं हुआ करती, लेकिन आजकल वहाँ पर भी भीड़ है। अब जो लोग जहाँ भीड़ कहाँ नहीं है जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है जो महंगा थोड़ा सा है लेकिन उस पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती। अब ज़्यादातर प्रेफर लोग क्या करते हैं कि वही सस्ता वाला पेट्रोल खरीदते हैं, महंगा वाला कोई खरीदता नहीं। लेकिन जिनको मजबूरी होती है वो उनको खरीदना पड़ता है, तो क्या करें, 3-3 घंटे लोगों लाइन में बैठेगा। कहीं जगह पर तो ज़्यादा भीड़ है, लाइन यहाँ से लेकर लगभग 1.5 किलोमीटर तक लाइन ही लाइन है। उसमें ट्रक्स भी है, उसमें पिकअप भी है, उसमें बाइक्स भी है, उसमें बहुत कुछ है। यहाँ पर ऑनलाइन बाइक सर्विस भी है इंडोनेशिया में, तो वो लोग वही पेट्रोल डालते हैं सस्ता वाला, तभी उनको कुछ पैसा बचता है। अगर वो महंगा वाला डालेंगे तो उनको कुछ नहीं बचेगा, इसलिए वो ऑनलाइन जो बाइकर्स है जो गाड़ी वाले हैं वो ही पेट्रोल डालते हैं जो सस्ता है, तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ बनती है। तो इसलिए यहाँ पर आजकल पेट्रोल पर ज़्यादा भीड़ है। यही भीड़ शायद और भी बढ़ सकती है या कम, चाहे गवर्नमेंट सोच रहा है कि शायद इसमें कम इज़ाफा थोड़ा सा डाउन कर दे प्राइस, तो ताकि लोग वो भी खरीद सके और ये भी खरीद सके। इसलिए